समाहर्ता बांका के आदेश अनुसार पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष बांका थाना के 30 और उत्पाद विभाग के 9 कौंडों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस थाना कांड के देसी शराब 392 लीटर एवं 104 लीटर विदेशी शराब, जबकि उत्पाद विभाग के कांड का 85 लीटर देसी शराब एवं 172 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। विनिष्टीकरण दंडाधिकारी के रूप में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि लगभग टोटल 755 देसी एवं विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस अवसर पर मद निषेध अधीक्षक, उत्पाद पदाधिकारी एवं काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। बांका मुख्य मार्ग पर बहादिया मोड़ के समीप बाइक से गिरकर एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को कटोरिया रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला थाना क्षेत्र के मेडा गांव निवासी किशोरी मंडल की पत्नी उषा देवी बताया गया। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने घर से ऑटो पर सवार होकर करझोसा आई, जहां मेडा गांव निवासी वीरेंद्र चौधरी के साथ बाइक पर सवार होकर आवास योजना का कागजात जमा करने कटोरिया प्रखंड कार्यालय जा रही थी। इसी क्रम में बहादिया मोड़ के समीप महिला के हाथ में रखी प्लास्टिक सड़क पर गिर गया, जिसे लेने के दौरान महिला असंतुलित होकर बाइक से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटनाओं में उसके पेट और सिर पर गंभीर चोटें लगी थी। फिलहाल इस घटना से मृतका के घरों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना हम आ रहे थे मेड़ा से कटोरिया, करजोसा में महिला बैठी हुई थी। तब बोली कि मतलब हम भी जाएंगे, हम पीछे बैठा लिए तो बहादिया के पास। ये एकाएक कागज छूट गया इसका, तो कागज लेने के लिए कूद गई मोटर, तो अपने आप कूद गई। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के लौंगा गांव में नहाने के दौरान पोखर में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक लौंगा निवासी अजीत कुमार का 18 वर्षीय पुत्र सीतांशु कुमार उर्फ अमन कुमार बताया गया। मामले को लेकर मृतक के बड़े पापा संजीव कुमार ने बताया कि रोजाना की भांति सीतांशु अपने हम उम्र दोस्तों के साथ फिजिकल दौड़ के लिए शनिवार की सुबह गाँव से बाहर गया था। वापसी के क्रम में लौंगा गांव के समीप स्थित पोखर में स्नान करने चले गया, जहां गहरे पानी में जाने की वजह से युवक डूब गया। युवक के साथ गए इनके मित्र ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण पोखर से युवक को बाहर निकालते हुए इलाज के लिए अमरपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। युवक की मां अनिमिका देवी एवं अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाने में दिया। सूचना मिलते ही थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक सुदय कुमार पुलिस बलों के साथ लौंगा गाँव पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवक बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ जीवन में कुछ नया करने का मन रखने वाले इंसान थे। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक इंटर का छात्र था। दो भाइयों में मृतक बड़ा पुत्र था। घटना के बाद पूरा ग्रामीण हतप्रभ है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। परिजनों के बयान पर यूडी में केस दर्ज किया जाएगा। कुछ सुबह जा रहे थे, फिजिकल दौड़ने के लिए जाते थे, घर से रिटर्न आया दौड़ करके, फिर वो तालाब में स्नान करने लगा। स्नान करने के दरमियान में जो ये जो नीचे गया तो उसे नीचे गिरा गया। हम लोग को बाद में पता चला तो ग्रामीण आए, सभी लोग उसको जो है फिर निकाले। एक घंटा तक करीब रह गया अंदर में। किस पोखर में था? लौगा गांव के बाहर में पोखर है, ग्रामीण पोखर है। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम सीतांशु कुमार, वैसे अमन हम लोग कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को शाम 4:30 बजे के बाद जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण योजना स्थल पर ही लगे सेटअप बॉक्स पर अधिकारी के साथ पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण किसानों ने देखा। लकरमा पंचायत अंतर्गत मुकुंदा गांव में निजी जमीन पर मनरेगा योजना से बने तालाब में हांसदा का तालाब मुख्यमंत्री के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन देखकर आदिवासी महिला झूम उठी। बंजर भूमि पर बने तालाब के मोटे मेड पर वृक्षारोपण के साथ जीविका से मछली पालन कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में यह योजना कारगर साबित होगी। इसके अलावा तालाब के नीचे खेतों में पटवन के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद प्रखंड प्रमुख प्रमोद मंडल ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए जल जीवन हरियाली से हर एक जन को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया।
पीओ संजीव कुमार ने बताया कि पूरे कटोरिया प्रखंड में मनरेगा योजना अंतर्गत खेत पोखर तालाब पक्का चेक डैम वृक्षारोपण सोखता सहित रिचार्ज फीट जैसे 200 अधिक पूर्ण योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इसके अलावा लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। मौके पर पंचायत के मुखिया कमलाकांत यादव मनरेगा सहायक अभियंता अजय कुमार लिपिक अभिषेक दुबे एलेक्स हांसदा मौजूद थे। इसके अलावा दर्जनों ग्रामीण चेहरे पर मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए योजनाओं स्थल पर कल्याणकारी सरकारी योजनाओं से अवगत हुई। डीडीसी रवि प्रकाश के निर्देशों पर हर प्रखंड में योजनाओं स्थल पर बिजली पानी के साथ दूरदर्शन के लिए सेटअप बॉक्स की व्यवस्था की गई थी। अमरपुर थाना क्षेत्र के जेठोर पुल के समीप चौंदन नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव निवासी कपिल कापड़ी का 12 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। मृतक बच्चे के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार के दिन राहुल अपने हम उम्र बच्चों के साथ जेठोर पुल के समीप स्थित चौंदन नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान घोघा बियर के समीप राहुल डूबते हुए फाटक से टकराकर जख्मी हो गया। बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने नदी से बच्चे को बाहर निकाला। आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए इंग्लिश मोड़ स्थित प्राइवेट क्लिनिक में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने बच्चों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया।